तमन्ना। यहाँ तो सुरक्षा गार्ड आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, जो भी देख सकते लाइनिंग बनाया गया ना, लाइनिंग को आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो गाइस देख सकते ना व्यूज कितना अच्छा दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आप भी दिल्ली में है तो यहाँ पे आना ना भूलें। तो गाइस देख सकते किस तरह है ना, पेड़ के नीचे भी उसको सजाया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना। ऐसा बहुत सारा जगहों पे अभी देखने को मिलने वाला है। गाइस देख सकते यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन चुका है, तो हम भी कुछ यहाँ पे फोटोज क्लिक कर लिए हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन, तो जस्ट अभी हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे पहले कितने बार आ चुके हो? मैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो गाइस अंडर इंटर करते ही कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। हम मुगल गार्डन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं अंदर। यहाँ पे सुने कि बहुत सारा यहाँ पे फूल वगैरह, जो कि इंडिया के लगभग, इंडिया तो छोड़ो और भी देशों के फूल यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलने वाला है स्पेशल फूल के लिए। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या होने वाला है। इसमें आने के लिए गाइज आपको पहले से टिकट बुक करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, अगर आप इंडिया से हो तो बिल्कुल आपका फ्री होने वाला है। गाइज देखते इंटर करते ही यहाँ पे बहुत सारा फूलों का आपको टॉप देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है। तो आपको बता दें कि ये फूल अभी है ना, अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। सकते हैं यहाँ पे इसका मैप आपको देखने को मिल जाएगा, ये कुछ इसका एंट्रेंस एरिया है। तो चलिए चलते हैं, पिकनिक खाने की अनुमति नहीं है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पिकनिक खाने की अनुमति नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह है ना, पेड़ के नीचे भी इसको सजाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना। ऐसा बहुत सारा जगहों पे अभी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं ना भीड़ यहाँ पे कितना है, तो आज संडे का दिन है तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक और रीज़न है भीड़ होने का, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है एक महीने के लिए, ये आपको फरवरी से मार्च तक खुलने वाला है, जो कि 2-3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलने वाला है। और दूसरी रीज़न है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह का कैंप लगाया गया है, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। लेट्स गो। यहाँ पे फाइनली हमारा चेकअप हो चुका है और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे फूलों फूल की बागीचा देखने को मिल रहा होगा आपको। अपने यूट्यूब के लिए ये फ्रंट से वीडियो बना रहा हूँ, और अपने यूट्यूब के लिए और इंस्टा के लिए शॉर्ट वीडियो रील भी यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ खुद अपने आईफोन से ही। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, उसके बाद पूरा वीडियो हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। कितना बेहतरीन दिख रहा है आपको। ओह माय गॉड गाइस देख सकते हैं यहाँ भी कितना अच्छा ड्राइंग टाइप का बनाया गया है ना। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये नजदीक से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है ये। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना सारा भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ फ्रेंड्स लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो एंजॉय करो यहाँ पे, एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस फुहारे यहाँ पे देख सकते हैं कितना एक्सपेंसिव दिख रहा है ना। तो चलिए नज़दीक से चलते हैं और आपको दिखलाते हैं कितना सारा भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। ओह माय गॉड। तो गाइस देख सकते हैं ना व्यूज कितना अच्छा दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आप भी दिल्ली में है तो यहाँ पे आना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एंट्री चार्ज होने वाला है, और आप भी अपनी फैमिली के साथ में आइए, यहाँ पे फोटोज क्लिक कीजिए, वीडियोज क्लिक कीजिए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस इस झरने को बोलते हैं बाय बाय और आगे चलते हैं, शायद दोबारा इस झरने के पास वापस ना आ सके। तो गाइस फाइनली हम सीढ़ियों की मदद से देख सकते हैं यहाँ पे, सीढ़ियों की मदद से हम आ चुके हैं यार। तो गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, मेरा फर्स्ट टाइम था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या नज़ारा है, क्या ब्यूटी है, और क्या संडे की छुट्टी की मज़ा तो दिल्ली में आज ही मेरे को लग रहा है। ऐसा पहली बार मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है दिल्ली में कितने जन्नत में आ चुका हूँ यार। आहा देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फूलों की बागीचा, बिल्कुल फूल ही फूल आपको देखने को मिल रहा होगा। वाओ ओह माय गॉड।
चलिए उधर की तरफ चलते हैं आगे, उसका एंट्रेंस एरिया देखो, इस तरह से जाने वाला रास्ता है ऐसे कुछ। यहाँ पे इतना भीड़ है ना, मैं जब साथ में बंदे के साथ में आया था ना, किधर गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है गाइस। कोई बात नहीं है, चलते हैं घूमते अकेला। यार वो कितना मस्त लग रहा है ना फ्लैग, इंडियन फ्लैग। यस, ये कुछ फाउंटेन का नज़ारा इस तरह। और भीड़ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ देखने को मिल रहा है। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ना ये, मतलब दिल्ली में बहुत सारे जगहों पे घूमे बट पहली बार कुछ ऐसा रियलाइज हो रहा है ना कि मैं किसी अच्छे जगह पे विजिट किया हूँ। तो ये क्या है यार, ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंसिव फूल्स फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे अच्छे खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर इस जगह पे अगर आते हो तो। चलिए चलते हैं, सारा मतलब अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आने के बाद कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, जो भी देखो लाइनिंग बनाया गया ना, लाइनिंग को आप क्रॉस नहीं कर सकते। चलिए इस मीटिंग को साइन करते हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं, कितना सारा भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये लौंडा सबके साथ में चल रहे हैं, चलिए चलते हैं घूमते हैं। What? तो गाइस यहाँ पे कुछ फोटोज अच्छे आ रहे हैं, तो चलिए कुछ फोटोज यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ से एंट्री करने वाले, अंदर जाने वाले, देखने क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। Let's go. गाइस देख सकते हैं ये रहा व्हाइट रोज, सरप्राइज। देख सकते हैं यहाँ पे है ना कितना सारा फूलों का बागीचा, और एंट्रेंस एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह है। ओह माय गॉड, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा भीड़ है, और ये इसका मेन एंट्रेंस एरिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना ये। थैंक यू। हार के बैठना नहीं, जीत के